दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली मार्च से कर्मियों को लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुएटी पीजी डॉक्टरों को अब 33 की जगह 40,000 वेतन। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को बजट चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पहली मार्च से कर्मचारियों को लीव एनकैशमेंट और ग्रेजुएटी का लाभ चरणबद्ध तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा। वह पूर्व सरकार 10,957 करोड़ की छठे पे कमीशन और 1306 करोड़ रुपए के पेंशन और एरियर की देनदारी मौजूदा सरकार पर छोड़ गई है। उन्होंने कहा है कि एसएमसी अध्यापकों के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। वह 3 मंत्री इस कमेटी में शामिल हैं। वह कानूनी अड़चन में फंसे मामले के समाधान में समय लगता है। इनके मानदेय में पिछले 14 महीने यानी कि 4,300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वह मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी पैरा वर्कर के वेतन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा भी की है। इस मामले की पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उठाया था। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि पीजी करके आए डॉक्टरों को अब 33,000 की जगह 40,000 की व्यवस्था की गई है। मेरा सरकार ने जेओ 817 पर विचार विमर्श किया, जो भी नियम के अनुसार तय होगा उसमें आगे सरकार फैसला करेगी। वह मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को पहली कैबिनेट में लागू नियमों के आधार पर ही ओल्ड पेंशन दी जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए हो जाए तैयार, लोक सेवा आयोग में आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है। इसमें क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 भर्तियों शामिल है। वह पदों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के लाभ के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 1-टाइम पंजीकरण प्रणाली शुरू की है। इसका मुख्य मकसद इच्छुक उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पोर्टल पर एक बार अपना प्रोफाइल बनाकर खुद को पंजीकृत करने और समय समय पर अपने प्रोफाइल को अपडेट करने की अनुमति देना है। इससे अभ्यर्थी विज्ञापन जारी होते ही विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही पंजीकृत होने के बाद उम्मीदवार कुछ भी क्लिक के साथ विज्ञापितों के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, वह जिससे न केवल उनका समय बचेगा बल्कि अंतिम क्षणों में साइट के बार बार हैक होने की समस्या भी नहीं रहेगी। वह सभी इच्छुक अभ्यर्थी जो विज्ञापित किए जा रहे हैं क्लास 1, 2 और 3 पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही वेबसाइट पर पूरा प्रोफाइल बनाने के लिए भी कहा गया है। मैं किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए उम्मीदवार 01772624313 पर संपर्क कर सकते हैं। 180 दिन के बजाय 220 दिन का होगा सत्र, पढ़ाई के साथ खेलकूद गतिविधियों को मिलेगा अतिरिक्त समय। जी, नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में कई तरह के बदलाव होंगे। स्कूलों में नए सत्र से शैक्षणिक दिवस को बढ़ाया जाएगा। अभी स्कूलों में 180 शैक्षणिक दिवस है, इन्हें 220 करने की तैयारी चल रही है। इस बारे में खुद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी कह चुके हैं कि इस बार शैक्षणिक दिवस को बढ़ाया जाने पर विचार चल रही है। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है, इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। प्रदेश सरकार का कहना है कि स्कूलों में शैक्षणिक दिवस बढ़ाने का मकसद यह है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों के लिए भी समय मिल जाए। वह देखने में आता है कि स्कूल में 180 दिन का शैक्षणिक कैलेंडर नाकाफी रहता है। वह बच्चों की पढ़ाई में ही पूरा साल व्यस्त रहते हैं और उन्हें खेलकूद जैसी अतिरिक्त गतिविधियों के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। इस साल बजट में भी खेल के लिए एक अलग दिन तय किए जाने की बात कही गई है। ऐसे में हर साल बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए 20 से 30 दिन मिल जाएंगे और उनकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी। किताब खोलकर परीक्षा दे सकेंगे छात्र, साल के अंत में बड़े बदलाव की तैयारी में सीबीएसई बोर्ड। जे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस साल से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए ओपन बुक एग्जाम सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। वह नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए लाए गए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की सिफारिशों के मद्देनजर सीबीएसई ने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नवम्बर माह में प्रायोगिक तौर पर ओपन बुक परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। बताया जा रहा है कि बोर्ड ने कुछ स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए अंग्रेजी, गणित व विज्ञान, जबकि कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान विषयों के लिए ओपन बुक टेस्ट आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। हिमाचल में जल जीवन मिशन के तहत छोटे घरों की होगी पहचान, हर्षवर्धन चौहान का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत छूट गए ऐसे घरों की पहचान किया जाएगा वह जहां पर पानी के कनेक्शन नहीं लग पाए हैं। यह बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक विपिन सिंह परमार, दिलीप ठाकुर और सुखराम चौधरी के संयुक्त सवाल के जवाब में कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के सभी घरों में पानी का कनेक्शन लग गया है और इसे आधार से लिंक किया जाएगा, वह जबकि वास्तविकता यह है कि परिवार के सदस्य अलग अलग जगहों पर रहते हैं और घर के मुखिया को ही पेयजल कनेक्शन मिले हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे सभी घरों को चिन्हित करेगी और वहां पर पेयजल कनेक्शन जारी करेगी। हिमाचल में कड़ाई से लागू की जाएगी मेंटल हेल्थ पॉलिसी, धनराम सांडिल। जय प्रदेश सरकार राज्य में मेंटल हेल्थ पॉलिसी को कड़ाई से लागू करेगी। इसके साथ ही सरकार राज्य के सभी 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में मनोचिकित्सा और काउंसलर की तैनाती करेगी और मानसिक रोगियों को दी जाने वाली दवाइयों को आवश्यक दवाइयों को सूची में शामिल किया जाएगा। वे प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत विधायक भवानी सिंह पठानिया द्वारा राज्य में मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नीति बनाने को लेकर लिए गए संकल्प पर हुए चर्चा के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनराम सांडिल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 6% आबादी मानसिक तनाव में है। इसे देखते हुए सरकार ने राज्य में मेंटल हेल्थ पॉलिसी को कड़ाई से लागू करने का फैसला लिया है। वह बता अच्छे बाद में मंत्री के जवाब से संतुष्ट भवानी सिंह पठानिया ने अपना संकल्प वापस लिया। वह स्वास्थ्य मंत्री ने टांडा मेडिकल कॉलेज में स्थित मेंटल हेल्थ विभाग को मजबूत करने और यहां सुविधाएं जुटाने की भी बात कही है। 1900 रुपये मानदेय बढ़ाने पर कंप्यूटर शिक्षकों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। जब मानदेय में 1900 रुपये की वृद्धि करने पर कंप्यूटर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। वह शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस सचिव सुमन ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से भेंट की और वर्ष 2024-25 के बजट में उनके मानदेय में प्रतिमा 1900 रुपये की बढ़ोतरी करने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। यही नहीं, राज्य सरकार ने 4% महंगाई भत्ता की किस्त देने की घोषणा कर दी है और आने वाले समय में भी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। गेस्ट टीचर भर्ती पर लगाए पूर्णतया रोक, मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे अभ्यर्थी। जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, में सत्र के 9वें दिन बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक संघ ने मांगों को लेकर चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। वे प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों ने गेस्ट टीचर भर्ती का विरोध किया है और इस पर पूर्णतया रोक लगाने की मांग की है। वह बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक संघ के अध्यक्ष घनश्याम ने कहा कि गेस्ट टीचर भर्ती पर पूर्णतया रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से सभी भर्तियों की जानी चाहिए। वे TGT JBT में 3-4 साल से कमीशन नहीं हुए हैं। वे पिछले 1.5 साल से राज्य चयन आयोग बंद पड़ा है, इसे जल्द शुरू कर सभी भर्तियों करवाई जानी चाहिए। वे पेंडिंग भर्तियों के रिजल्ट जल्द घोषित किए जाने चाहिए, वे तभी नई भर्तियों हो सकेगी। जो भर्तियां लिटिगेशन में है उसमें भी कुछ न कुछ मार्ग निकाला जाए। CM सुक्खू बोले पोंग डैम की वेटलैंड में इस बार से खेती कर सकेंगे किसान। जे इको सेंसिटिव जोन की अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, मैं स्थानीय विधायकों से चर्चा के बाद इस बाबत फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वन्य प्राणी अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी होगी, फिर इको सेंसिटिव जोन को लेकर विचार किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पोंग डैम की वेटलैंड में इस बार से किसान खेती कर सकेंगे। वह सरकार ने इस बाबत मंजूरी देने का फैसला लिया है। वह इको सेंसिटिव जोन की अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, मैं स्थानीय विधायकों से चर्चा के बाद इस बाबत फैसला लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वन्य प्राणी अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी होगी, फिर इको सेंसिटिव जोन को लेकर विचार किया जाएगा। वह शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक होशियार सिंह, भवानी सिंह पठानिया और विक्रम सिंह के सवाल पर मुख्यमंत्री ने यह स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने विपक्ष से इस मामले को लेकर सनसनी न फैलाने का आग्रह भी किया है। मैं इस दौरान कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने भी कई सवाल उठाए। वह मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य प्राणी अभ्यारण्य से कई गांव बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार के इसको लेकर नियम बहुत सख्त हैं। उन्होंने कहा कि वन्य प्राणी पर्यटन में कमी दर्ज हुई है, इसके लिए बोटिंग के लाइसेंस जारी करने के निर्देश दे दिए गए। वह कृषि मंत्री ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन को लेकर किसी से भी आपत्तियां नहीं ली गई है। लंबे समय बाद टंडा मेडिकल कॉलेज में 11 माह की बच्ची कोरोना पॉजिटिव। जो लंबे समय बाद टंडा मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीज मिला है, यह 11 माह की बच्ची की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। यह पुष्टि बच्ची के सैंपल की जांच के बाद हुई है। वह बच्ची टंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। वह पुराना कांगड़ा के वार्ड नंबर 2 की इस बच्ची को निमोनिया के चलते टंडा मेडिकल कॉलेज जाँच के लिए लाया गया था। वह 20 फरवरी की रात को बच्ची के सैंपल लिए गए, जिसके बाद बच्ची में कोरोना पाया गया। उसके बाद परिजनों के लिए सैंपल लिए गए, जिससे पता चल सके कि वायरस कहां से आया, लेकिन परिजनों में कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 11 माह की बच्ची की अब स्वस्थ है। वह बच्ची में कोरोना वायरस कहां से आया है, वह स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच कर रहा है। बंजार के ग्याई में निजी स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त, 5 बच्चे घायल।
जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बंजार के घियाई में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 5 बच्चे घायल होने की सूचना है। बस अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 50 मीटर नीचे जा गिरी। वह सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए बंजार अस्पताल भेजा गया है। वह इनमें से 2 घायलों को कुल्लू रेफर किया गया है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि बस बंजार के MPS स्कूल की थी। मैं हादसे के दौरान बस विद्यार्थियों को लेकर स्कूल जा रही थी। मैं SP कुल्लू कार्तिकेन गोकुल चंद्रन ने कहा कि पुलिस मामले की जांच की जा रही है। हिमाचल में कॉलेज विद्यार्थियों के बनेंगे ऑनलाइन बस पास सॉफ्टवेयर तैयार। जो हिमाचल प्रदेश में कॉलेज विद्यार्थियों के ऑनलाइन बस पास बनाने के लिए HRTC की ओर से बनाए गए सॉफ्टवेयर का ट्रायल सफल रहा है। वह निगम प्रबंधन सबसे पहले राजधानी शिमला के विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहा है। वह दूसरे चरण में प्रदेश के सभी कॉलेजों के छात्रों को यह सुविधा मिलेगी। वह पास बनाने के लिए अब विद्यार्थियों को कक्षाएँ छोड़कर घंटों कतारों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। वह प्रदेश में HRTC के सभी 60 पास काउंटरों को ऑनलाइन करने की योजना है। मैं ऑनलाइन बस पास बनाने की सुविधा शुरू करने के लिए वीरवार को शिमला के कॉलेज प्रबंधनों के सामने ट्रायल किया गया। मैं कॉलेज प्रतिनिधियों को सॉफ्टवेयर की जानकारी भी दी गई। मैं शिमला के सेंट बीड से संजोली कोटसेरा संस्कृत कॉलेज से फागली में संध्याकालीन कॉलेज RKMB के प्रतिनिधियों ने HRTC की पहल पर सहयोग का आश्वासन दिया है। इस मौके पर HRTC के प्रबंधक पंकज सिंह, मंडलीय प्रबंधक शिमला पवन शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक शिमला लोकर विनोद शर्मा मौजूद रहे। आगे श्रीराम जन्मभूमि के जल से तैयार डाक टिकट GPO शिमला में उपलब्ध। अयोध्या के श्रीराम मंदिर जारी स्मारक टिकट GPO शिमला में पहुंच गए हैं। मैं 18 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के नाम से 6 स्मारक डाक टिकट लॉन्च किए थे। यह हिमाचल प्रदेश में केवल शिमला के स्कैंडल पॉइंट पर स्थित जनरल पोस्ट ऑफिस यानी कि GPO के फिलेटेली ब्यूरो में मिल रहा है। वह टिकट को खास तौर पर राम जन्मभूमि की मिट्टी और जल को अंतर्निहित करके तैयार किया गया है। इससे लोग को इससे खरीदने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। वह टिकटों का मूल्य 100 रुपये है। शिक्षक बोले उत्तर में शब्दों की तय संख्या पार न करें, परीक्षा के दौरान अन्य अच्छी नींद। जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 1 मार्च से 12वीं और 2 मार्च से 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा करवाई जाएंगी। वे बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को किस तरह प्रश्न पत्र को हल करना चाहिए और उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और विद्यार्थियों परीक्षा के तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, इस बारे में अमर उजाला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भल्लाड़ में तैनात अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता धर्मेंद्र कटोच से बात की। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कई टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा तनाव रहित होकर देनी चाहिए। वे परीक्षा के दौरान कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें शब्दों की संख्या दर्शाई होती है। स्कूलों के क्लस्टर सिस्टम में होंगे बड़े बदलाव, कई शर्तों में मिलेगी राहत। जो क्लस्टर सिस्टम में बदलाव के निर्णय को लागू करने के लिए मंथन होगा। वे प्रदेश शिक्षा विभाग के सचिव सभी जिला के प्राथमिक व उच्च शिक्षा उपनिदेशकों और डाइट के डीपीओ के साथ बैठक करेंगे। वे मार्च माह में यह बैठक प्रस्तावित थी। ऐसे में आगामी शैक्षणिक सत्र से पूर्व योजना में हुए बदलावों को स्कूलों में लागू करने का लक्ष्य विभाग की ओर से रखा गया है। वे इस बैठक में क्लस्टर सिस्टम में किए गए बदलावों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ बैठक में इन निर्णय को लागू करने को लेकर जिला के अधिकारियों से सुझाव लिए जाएंगे। बता दें कि क्लस्टर सिस्टम में 300 मीटर के दायरे को बढ़ाकर अब 500 मीटर करने का निर्णय लिया गया है। वह प्रदेश में जो स्कूल 300 मीटर के दायरे की शर्त के चलते क्लस्टर सिस्टम में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन स्कूलों को 500 मीटर के दायरे के तहत इस प्रणाली में लाया जाएगा। वह स्कूल की भौगोलिक व अन्य परिस्थितियों को देखकर राहत भी प्रदान की जाएगी। वह मसलन यदि स्कूल में संयुक्त प्रार्थना सभा मिड डे मील एक के साथ करने की व्यवस्था संभव नहीं होगी तब इसमें राहत दी जाएगी। हालांकि इन स्कूलों में क्लस्टर सिस्टम की अन्य शर्तों को शामिल किया जाएगा। हिमाचल में मार्च अप्रैल से शुरू होगी एरी रेशम की खेती, बोर्ड से मिली मंजूरी। जे रेशम विभाग प्रदेश में मार्च अप्रैल से एरी रेशम की खेती शुरू करने का क्या जा रहा है। विभाग को इसके लिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। इस रेशम की विशेष बात यह है कि किसान साल में 7 बार इससे फसल प्राप्त कर सकते हैं। रेशम विभाग प्रदेश में पहली बार एरी रेशम कीट पालन की खेती शुरू करने जा रहा है। वह 1 साल पहले विभाग ने प्रदेश के निचले क्षेत्र बिलासपुर, ऊना और नालागढ़ में इसका सफल ट्रायल किया था। वह इसके लिए विभाग बिलासपुर के रांगढ़ में 25 बीघा भूमि पर बीज उत्पादन केंद्र तैयार कर रहा है। विभाग यहां से किसानों को बीज वितरण करेगा। वह एरी रेशम कीट पालन अरंडी के पौधे पर होता है और इसके लिए गर्म स्थान उपयुक्त होता है। विभाग ने अरंडी के पौधे जोरहाट से मंगवाए हैं। वह आमतौर पर इस पौधे का तना सफेद होता है, लेकिन इस किस्म में इसका तना लाल रंग का है, जो इसकी एक विशेषता है। हिमाचल को मिलेगी 2600 टन यूरिया खाद की नई खेप, इफको के दिल्ली भेजी मांग।
ये प्रदेश भर के किसानों व बागवानों के लिए यूरिया खाद की नई खेप जल्द गोदाम में पहुंचेगी। इसके लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकार यानी कि इपको ने खाद की मांग का प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया है, जिसे मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों को यह खेप जारी होगी। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि इपको की ओर से 2600 टन खाद की खेप की मांग रखी गई है। वह इसमें अकेले ऊना जिले के लिए करीब 700 टन खाद जारी होगी। वह खाद की बाकी खेप मांग के अनुसार विभिन्न जिलों को भेजी जाएगी। वह ध्यान रहे कि हाल ही में बारिश के बाद गेहूँ, हरी सब्जियों और फलदार पौधों के लिए यूरिया खाद की आवश्यकता है। वह कई गोदामों के खाद का स्टॉक खाली हो चुका है। रेणुका बांध और सुरंगों के भूमि जांचने पहुंचे वैज्ञानिक मिट्टी के 100 सैंपल जांच में पाए गए ठीक। जो हिमाचल समेत 4 राज्यों के लिए महत्वपूर्ण रेणुका बांध परियोजना के निर्माण की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी है। वह गुरुवार को 3 उच्च संस्थानों के वैज्ञानिकों की 18 सदस्यीय टीम ने मौके पर दौरा कर बांध स्थल समेत सुरंग साइट की जमीन जांची। वैज्ञानिकों ने सुरंगों समेत डैम साइट से लिए मिट्टी के करीब 100 सैंपलों की जांच की। वह जांच में बांध और सुरंग निर्माण के लिए जमीन सही पाई गई है। वह भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI, केंद्रीय जल आयोग और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की टीम जमीन की रिपोर्ट जल्द केंद्र को सौंपेगी। वह जिससे कि इसके निर्माण के लिए जल्द पूरा बजट मिले। वह रेणुकाजी बांध परियोजना की लागत करीब 7000 करोड़ रुपये आंकी गई है। वह अभी तक केंद्र से करीब 1900 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को जारी हो चुके हैं। वह रेणुका बांध परियोजना से हिमाचल को 40 मेगावाट बिजली मिलेगी। तय अवधि में परीक्षा पास न करने वाले विद्यार्थियों को एक और मौका, कार्यकारिणी परिषद बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की वीरवार को कुलपति प्रोफेसर SP भंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश भर के हजारों छात्र और छात्राओं को बड़ी राहत दी गई है। इसमें विभिन्न डिग्रियों कोर्स की परीक्षाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा न कर पाने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा देने और डिग्री पूरा करने का एक मौका दिया जाएगा। वर्ष 2024 की इस पहली बैठक में इसी सदस्यों ने मेरू के अंतर्गत विश्वविद्यालय को 100 करोड़ का अनुदान जारी किए जाने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का आभार जताया और विश्वविद्यालय समुदाय को बधाई दी। वह बैठक में इसी सत्र से मेरू के अंतर्गत UGC की सभी अधिसूचनाओं को अपनाने और लागू करने का निर्णय हुआ है। सुरेश कश्यप बोले, FRP में 8% बढ़ोतरी के साथ गन्ने का मिलेगा बढ़ा हुआ मूल्य। जे केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में किसानों को बड़ी राहत दी गई है। वह किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि FRP की 8% बढ़ोतरी के साथ गन्ने का बढ़ा हुआ दाम मिलेगा। यह जानकारी आज नाहन में मीडिया को जारी बयान में सांसद सुरेश कश्यप ने दी। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में गन्ने की खरीद में 8% की वृद्धि से किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। वह कश्यप ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की ओर से केंद्र की मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के हितों व किसानों के सम्मान की किसी ने ख्याल नहीं रखा तो वह केंद्र को मोदी सरकार है। उन्होंने कहा कि किसानों के खाते में सीधे प्रत्येक वर्ष 6000 रुपये पर डाले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त भी जल्द डालने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीते कल हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में लिए गए निर्णय से भी जल्द ही किसानों को इसका लाभ मिलेगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ऊना से सहारनपुर जाने वाली गाड़ी अब हरिद्वार तक जाएगी। जो अभी तक हिमाचल में ऊना से सहारनपुर के लिए ट्रेन चल रही थी, मैं अब यही ट्रेन हरिद्वार भी जाएगी। मैं दरअसल इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आसमानी वैष्णव से मुलाकात की और ज्ञापन भी सौंपा है। मैं जाती हिमाचल के यात्रीगण ट्रेन से सीधा ही हरिद्वार तक जा सकेंगे, इसके लिए अनुरोध किया है। एम्स बिलासपुर में शुरू हुई रेडिएशन एंकोलॉजी सेवाएं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भी चालू। जे एम्स बिलासपुर में रेडिएशन एंकोलॉजी सेवाएं शुक्रवार से शुरू हो गई है। वह करीब 38 करोड़ की आधुनिक मशीनरी यहां पर स्थापित की गई है। वह लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भी एम्स में शुरू हुआ है, वह जिसमें 750 बेड को ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, एम्स कार्यकारी निदेशक डॉक्टर वीर सिंह नेगी, उपनिदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल हरिहरन, MS डॉक्टर दिनेश वर्मा, नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा, झडुंदा विधायक जीतराम कटवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व सांसद सूरज चंदेल, भाजपा जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान, HPCA सचिव सुमित शर्मा, प्रदेश भाजपा सब मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे। छात्रों से बदसुलकी पर कठियाना स्कूल के प्रिंसिपल सस्पेंड, अब उच्च शिक्षा निदेशालय में देंगे ड्यूटी।
जो अपने स्कूल के विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार करने के मामले में शिक्षा विभाग ने जिला हमीरपुर के बड़सर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कठियाना के प्रिंसिपल चमन लाल पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई स्कूल के छात्रों की लिखित शिकायत मिलने के बाद की है। दिलचस्प बात यह है कि विभाग ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए शिकायत मिलने के चौथे ही दिन पूरी जाँच करने के बाद प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है। कैबिनेट सब कमेटी ने मांगी खाली भवनों का डाटा, विधानसभा परिसर में निर्देश जारी, सभी विभागों उपायुक्तों को देनी होगी जानकारी। जी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धर्मानी की अध्यक्षता में बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक विधानसभा परिसर में हुई। यह सब कमेटी राज्य में खाली पड़े उन सरकारी भवनों के बेहतर इस्तेमाल को लेकर बनाई गई है, मैं जिसका अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं इसमें स्कूल कॉलेज से लेकर अन्य सभी तरह के भवन शामिल हैं। वह पहली बैठक में कैबिनेट मंत्री यादविंदर गोमा और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। वह सब कमेटी के अध्यक्ष राजेश धर्मानी ने सभी विभागों से इस बारे में डाटा एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। वह सामान्य प्रशासन विभाग को सभी जिलों के उपायुक्तों के अतिरिक्त अन्य विभागों से भी जानकारी लेने को कहा गया। यह जानकारी पहले से तय के फॉर्मेट पर भेजनी होगी। वह कौन सी सरकारी बिल्डिंग कब से और किस कारण से अब खाली है, यह इस्तेमाल नहीं हो रही है, इसका कारणों सहित यह डाटा तैयार होगा। इसके बाद सभी जिलों के उपायुक्तों से भी इस बारे में सुझाव दिए जाएंगे कि इन भवनों का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। इसमें राज्य सरकार को कुछ राजस्व भी प्राप्त हो ऐसा कदम उठाया जाएगा। मोदी फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटेन के सुनक को पीछे छोड़ा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विश्व के सभी शीर्ष नेताओं को लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर काबिज हो गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जारी इस आंकड़े ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। दरअसल मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे ने विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं की सूची जारी की है। इसमें विश्व के सभी लोकप्रिय नेताओं के बारे में आंकड़ों सहित जानकारी दी गई है। इसी में इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर काबिज है। हालांकि यह पहली दफा नहीं है कि जब पीएम मोदी ने शीर्ष पर अपनी जगह बनाई है। इससे पहले भी वह लोकप्रियता के मामले में दुनिया के नेताओं के बीच शिखर पर रह चुके हैं। वह एजेंसी के मुताबिक पीएम मोदी को इस सर्वे में 77% लोकप्रियता के साथ शीर्ष पर दिखाया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।